मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने व्यापम कार्यालय का घेराव किया। आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता व्यापम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की व शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि व्यापम घोटाले के मुखिया सरना के पास से जो डायरी बरामद हुई है उसमें मामा शब्द का उपयोग किया है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना बयान में कह चुके हैं कि पूरा प्रदेश जानता है कि मामा कौन है। इस घेराव में इंदौर के कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आज ये व्यापम को लेकर प्रदर्शन था, इसमें पिछले 10 साल से घोटाला लगातार जारी है। घोटाला उजागर होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आज लोगों में ये व्यापम सिंह चौहान के नाम से जाने जाते हैं। यह पहला ऐसा प्रकरण है पूरे देश में जिसमें 10 साल से लगातार रिश्वतखोरी से मेडिकल में एडमिशन हो रहे हैं और आज भी जारी है, लेकिन इसके बाद भी कोई एसटीएफ या अन्य विभाग कार्रवाई करने में असक्षम सिद्ध हुआ है। इंदौर से अभिजीत सिंह चौहान के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।